नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन घातक ओमिक्रॉन में। क्योंकि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट B.1.1529 दुनिया के सामने एक नई मुसीबत बनकर सामने आ गया है। WHO ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का दावा है कि ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वेरिएंट पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का भी कोई असर नहीं होता। इस वेरिएंट की ताकत और लक्षणों को लेकर भी बहुत सी नई बातें सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर इसे डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा संक्रामक बताया गया है। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तबाही मचा कर रखी थी। ये वेरिएंट इम्यून सिस्टम को भी जख्मा दे सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन से होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को भी बेअसर कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन में वायरस का अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेट वर्जन देखा गया है। इतने सारे म्यूटेशन इसमें पहले कभी भी नहीं देखे गए हैं और इसी में ही नहीं, पिछले किसी भी वायरस में ऐसे म्यूटेट्स नहीं देखे गए हैं और यही वजह है कि नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन पिछले बीटा और डेल्टा वेरिएंट से अनुवांशिक रूप से अलग है, लेकिन इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये जेनेटिक बदलाव इसे ज्यादा खतरनाक बताते हैं या नहीं। सबसे घातक वायरस इस समय बताया जा रहा है वो उसने पूरे तरीके से मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है ओमिक्रॉन और ये कोरोना वायरस। कोरोना का ही ये म्यूटेट है ये, और इसके बाद WHO ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न पहले ही घोषित किया जा चुका है, क्योंकि ये इतना ज्यादा खतरनाक वायरस है कि डेल्टा जो वेरिएंट है जिसने दूसरी लहर में तबाही मचाई थी भारत में, उस डेल्टा वेरिएंट से भी 6 गुना ज्यादा घातक इस वेरिएंट को बताया गया है। यानी कि सीधे तौर पर ये वेरिएंट काफी ज्यादा घातक है और इससे बचने के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम चीजें हमें पहले से ही करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने दूसरी लहर को झेला वो तमाम चीजें आपके सामने रही है। हमें पता हमने किस तरीके से झेला है दूसरी लहर को, चाहे फिर ऑक्सीजन की कमी हो, वैक्सीनेशन की कमी हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, तमाम जो चीज़ें रही उसकी वजह से दूसरी लहर बहुत ज़्यादा घातक रही। लेकिन अभी ओमिक्रॉन जो है वो एक नई मुसीबत के तौर पर सामने आ गया है और इसी मुसीबत से निपटने के लिए तमाम जो सरकारें हैं वो अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं। फ्लाइट्स को भी रद्द करने पर विचार किया जा रहा है और कई ऐसी गाइडलाइंस है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वेरियंट है इस पर वैक्सीन भी काम नहीं कर पा रही है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं और आज बहस नहीं चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो ओमिक्रॉन है वो कितना घातक है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश चावला नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA और वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ पूर्व निदेशक एम्स से मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मिश्रा साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। हम लगातार ओमिक्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है और आज जो बात सामने आई है ये डेल्टा वेरिएंट जो है उससे भी 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। वो वेरिएंट जिसने हमें दूसरी लहर में जिस तरीके से तबाही मचाई उससे भी 6 गुना ज्यादा घातक अगर हमारे पास ये वेरिएंट अब सामने आया है तो आखिर कैसे इससे बचा जा सकता है? जी डॉक्टर मिश्रा, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ये 6 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है, ये किसी को नहीं पता अभी। ये प्री मैच्योर है सब, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन जो ओमिक्रॉन, इसको नाम होना चाहिए था ओमिक्रॉन नाम दिया है इन्होंने WHO ने, और WHO ने प्रोएक्टिवली, चूंकि WHO हैज बीन इन बैड बुक ओवर लास्ट 18 मंथ्स because of their delay in calling this pandemic a pandemic. इस वजह से उन्होंने इसको अभी 9 नवंबर को पहला केस बोत्सवाना में मिला, डायग्नोसिस हुई,
और फिर उसको 24 नवंबर को इन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न। हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र हमारे साथ अपोलो अस्पताल चेन्नई से डॉक्टर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका पीएनबी न्यूज पर। मैं डॉक्टर मिश्रा आप ही के पास एक बार फिर से आऊंगी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था मैं उसी का जवाब चाहूंगी। आखिर हम कैसे इस जो ये जो वेरिएंट है इससे बच सकते हैं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से भी 6 गुना ज्यादा घातक बताया जा रहा है। ये मैं यही आपको अर्ज कर रहा था कि अभी ये बहुत प्री मैच्योर है, ठीक है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानिए, उसमें कोई हमें संदेह नहीं है, और कौन सा वेरिएंट किस तरह से व्यवहार करेगा इसका भी किसी को पता नहीं है, किसी वैज्ञानिक को नहीं पता है, तो WHO को कैसे पता लग गया। अभी उन्होंने तो प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव वे में सबको एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और वायरस इलनेस ऐसी होती है जो कोई ज्योग्राफिक भूगोल को भूगोलिक कोई परिधि है उसमें सीमित नहीं रह सकती। जब लोगों का आवागमन हो रहा है पूरे दुनिया में, पूरे भारत में, तो आप ये कहें कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, आप फ्लाइट बंद कर देंगे, तो 1.5 साल में तो फ्लाइट बंद करी थी, फिर क्या हुआ? आज डेल्टा वेरिएंट 100 देशों में पहुंचा हुआ है। तो ये इसमें हमारे लिए जो समझने वाली बात ये है कि हमको जो बचाव के उपाय हैं, जिसमें मास्क सबसे बड़ा उपाय है जो आपको 95-96% तक बचा लेगा संक्रमण से। अगर आपका संक्रमण ज्यादा है तो आप 2 मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए, वेंटिलेशन रखिए, क्योंकि अभी उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है, लोग कमरे घर बंद कर लेंगे, उसमें फिर डिनर करेंगे, उसमें मीटिंग करेंगे, उसमें खाना खाएंगे, साथ बैठ के बड़ी पार्टी करेंगे, तो उसमें और ज्यादा फिर रिस्क हो जाती है संक्रमण के फैलने की, क्योंकि ये एरोसोल से भी फैलता है, और ये आपका जो एयरबॉर्न भी है, दोनों तरह से ये फैलता है। तो इसलिए हमें तो बचाव के उपाय ही करने हैं, कोई भी वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, AY हो, लैम्डा हो। देखिए लैम्डा वेरिएंट जो दक्षिण अमेरिका में था बहुत इन्फेक्शस था, बचाव के उपाय करना बहुत जरूरी है। मैं आपके पास भी आऊंगी डॉक्टर चावला, और आपके पास भी आऊंगी डॉक्टर अनिता जी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो घातक ओमिक्रॉन पर हम चर्चा करें, हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर चावला आपके पास मैं आना चाहूंगी, डॉक्टर मिश्रा ने हमें बताया कि इससे बचाव की जरूरत है और हमें बचाव ही करना चाहिए, वो ही बहुत है अगर हमें बाकी चीजें ना कर पाए तो, लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें बचाव किस चीज से करना है। इस तहलके की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एहतियात हमें पहले भी चाहिए थी, सेकेंड वेव हमने बहुत ही दर्दनाक देखी है और हम किसी भी हिसाब से नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है, तो हम चाहेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि हम प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान दें। तो जो 2-4 बातें हम पहले कहते आए हैं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए। जहां तक बात है कि इस ओमाइक्रॉन वायरस पे एग्जिस्टिंग वैक्सीन असर करेगी या नहीं करेगी, दूसरा ये सोचना कि ये कब हिंदुस्तान में आएगा। हमने सुना है कि 2 केसेस हैं, एक शायद मथुरा में बात की जा रही है, एक शायद मुंबई में, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारा उद्देश्य अपने दर्शकों को डराना बिल्कुल नहीं है, बट जो हमारे दर्शक या आम जन बिल्कुल बेझिझक सड़कों पे घूम रहे थे, मार्केट्स में घूम रहे थे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, मेरे हिसाब से परसों भी एक मीटिंग हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और पक्का यही बातें दोबारा कही गई हैं, हमें वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है। हम 70 लाख लगा रहे हैं, तो हम करोड़ सवा करोड़ रहे, ताकि हम जल्द से जल्द ना केवल इंडिविजुअल वैक्सीन का फायदा पाएं, जो एक हर्ड इम्यूनिटी है वो स्टार्ट होती है जब हम 70% जनता को वैक्सीन लगा चुके होते हैं, तो इस बात की ज्यादा जरूरत है। और प्लस जो लोग बिल्कुल मस्त घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ NCR में शादियां ऐसे हो रही हैं जैसे कल होना हो आज ही कर लो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अब गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ती भी करनी चाहिए और आम जन को भी समझना चाहिए, ये जिम्मेवारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, आम जन की है। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हमेशा अपील करते आए हैं कि डॉक्टर्स का जो सेकंड डोज है, जो थर्ड बूस्टर डोज है, जिसका गवर्नमेंट अभी फैसला नहीं कर पाई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को
जनवरी 2021 में इंजेक्शन लग गया था, तो अब उनकी इम्यूनिटी कम होती नजर आ रही है। तो आई वुड से कोरोना वॉरियर्स विच इंक्लूड्स डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ एज वेल एज द फ्रंट लाइन वर्कर्स विच इंक्लूड्स म्युनिसिपल स्टाफ एंड पुलिस पर्सनल, इनको जल्द से जल्द इनको बूस्टर डोज दिया जाए। इसलिए कहने का मैसेज सिर्फ एक ही है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात को बढ़ावा देने की जरूरत है। डॉक्टर अनिता, आपके पास आना चाहूंगी, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि ये जो नया वेरिएंट अब आया है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और हमें पता कैसे चले, क्योंकि देखिए समय रहते अगर किसी चीज का ट्रीटमेंट होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर ये तमाम चीजें भारत में आती है तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये वाकई ओमिक्रॉन वेरिएंट है? लगभग ये कोरोना वायरस ही है, ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस है। कोरोना वायरस में नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो इसमें भी है, बुखार है, जुकाम है, स्नीजिंग, कोल्ड, कॉफ, ओके, इसके साथ साथ सांस फूलना है, बदन में दर्द। और डेल्टा वेरिएंट में हम देख चुके हैं कि एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये भी कुछ शिकायत था। बट ये वाला नया म्यूटेशन में क्या क्या नया साइंस आएगा इसके बारे में हमारा भी अभी तक जानकारी नहीं है। जो पब्लिक डोमेन में है एंड रिपोर्ट जो है बोत्सवाना, इजराइल, बेल्जियम, हांगकांग से उससे दिखाई दे रहा है मोर और लेस माइल्ड सिम्टम्स वो कोरोना वायरस के ही तरह, बट इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, स्प्रेड फास्ट है, यही दिस मच वी ओनली नो। तो हमारे लिए अभी तक डेटा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है वायरस का क्या साइंस एंड सिम्टम्स होगा, तो उसके लिए आपको अभी कुछ वेट करना है। आई थिंक आई रेड अ रिपोर्ट इन द मॉर्निंग टुडे, उसमें दिखाई दिया है जिसको पॉजिटिव था ओमिक्रॉन और द न्यू वेरिएंट, उससे सबका माइल्ड सिम्टम्स था, बट इट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसलिए सतर्क होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड, और थोड़ा दिन देना चाहिए, जब से हम लोग रिसर्च कर लेंगे उससे पता चल जाएगा कितना इंसान खतरनाक हो सकता है वायरस इन्फेक्शन, कितना आदमी आईसीयू में जा सकते हैं, वैक्सीन लेने के बाद भी कितना आदमी को हो रहा है, वैक्सीन इम्यूनिटी कैसे इवेज करते हैं कि नहीं। हम कल भी आपका शो में बता चुके हैं कि जो इसराइल से जिस आदमी को हुआ वो 3 डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ, इवन विद बूस्टर डोज से आया है। तो फर्दर डेटा के लिए हम लोग को सबको वेट करना है बिफोर वी टेल यू समथिंग कॉन्क्रीट अबाउट द वायरस। डॉक्टर अनिता, देखिए एक स्टेटमेंट जो सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो वेरिएंट है, ये जो वायरस है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है, इम्यून सिस्टम को भी कंफ्यूज कर सकता है, इससे हम क्या समझें और किस तरीके से जो ये स्टेटमेंट है इसको समझ सकते हैं? बताए अभी जो इजराइल का है एक आदमी, उनका 3rd डोज लेने के बाद भी हुआ है, तो इसमें पता चलता है ये वायरस हमारा इम्यून सिस्टम को इवेट करते हैं, शायद वैक्सीन जो दे चुके हैं वो काम नहीं कर रहा है, बट इसके अलावा ज्यादा बता नहीं सकेंगे क्योंकि उनको क्या वैक्सीन लगा, क्या डोजेस लगा, कितना लगा, वी डोंट नो, बट यस यू हैव टू बी अलर्ट कि यस वैक्सीन और वैक्सीनेशन का जो एंटीबॉडी हमारा शरीर में बनते हैं वैक्सीनेशन के बाद वो शायद सफिशिएंट नहीं है इस म्यूटेशन से लड़ने के लिए। तो ये क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन एंड द स्पाइक प्रोटीन, तो जो बॉडी के अंदर आते हैं उसके साथ साथ स्टार्ट ग्रोइंग फास्टर, ओके, शायद भी हो सकता है हमारा बॉडी जो एंटीबॉडी बना हुआ है म्यूटेशन के वजह से वो अटैक, इट हैज चेंज द एपिसोड, तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो सेल डेड नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है, और उसके साथ साथ वो सही ढंग से काम भी नहीं कर रहा है। अगेन अभी भी हमारे पास डेटा बहुत कम है सही ढंग से बताने के लिए कि क्या हो सकता है, बट इसमें खाली इनिशियल स्टेटमेंट बता सकते हैं, जो रिपोर्ट आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन माइट इवेड दी बॉडीज इम्यूनिटी और ये खतरनाक भी हो सकता है। डॉक्टर मिश्रा, आपके पास आना चाहूंगी, आप हालांकि समय की कमी है, मैं आपसे पूरे मुद्दे पर यह समझना चाहूंगी कि आखिर हम जनता को किस तरीके से ये समझा सकते हैं कि पैनिक नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, क्या वो चीजें हो सकती हैं जो जनता को फिलहाल करने की जरूरत है?
देखिए जनता को वो करना है जो उन्होंने अप्रैल में नहीं किया था, और उसकी वजह से हमको क्या हुआ, सुनामी आया कोविड का अप्रैल मई में, इतने लोगों को अफेक्ट हुआ, इतने लोगों की जान गई। तो हमें एज ए नागरिक, देश का जिम्मेदार नागरिक की तरह हमको बिहेव का व्यवहार करना है। डॉक्टर चावला ने बताया कोविड उचित व्यवहार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अनुकूल व्यवहार करना है, जिसमें मास्क आता है, आपको डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, दो मास्क लगा लीजिए। काम पास पास करना है, मान लीजिए कोई कार्बाइन खराब, वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मशीन पे दो लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं, दो मास्क लगा के कर लीजिए। मैं आजकल मॉर्निंग वॉक करता हूँ, दो मास्क लगा के करता हूँ, और मैं लगा के कोविड की वजह से नहीं लगा रहा, मैं पॉल्यूशन की वजह से भी लगा रहा हूँ मास्क। तो मेरा उत्तर भारत में सबको ये भी कहना है, और चाहे तो हमारा भारत में कोई भी शहर हो, आजकल प्रदूषण हर शहर में आया है, उत्तर भारत में अधिक है, जो कोस्टल एरियाज है उनमें कम है, लेकिन है अवश्य। तो लोगों को तो यही व्यवहार करना है, अनावश्यक यात्रा ना करें, भीड़ ना करें, शादियां इतनी होनी, कहने 25 लाख शादियां होनी है अभी भारत में दिसंबर जनवरी में, तो अगर 25 लाख में इतने सारे लोग अगर जमा हो गए, तो फिर अभी देखिए कर्नाटक के कैंपस में मिले आपको 66 छात्रों को हो गया। इस प्रकार से अगर करेंगे तो अपना नुकसान हम स्वयं करेंगे। तो तमाम वो चीजें हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है। डॉक्टर चावला, आपके पास मैं आऊंगी, समय की कमी है, मात्र 30 सेकंड में आपका कमेंट चाहूंगी कि आखिर क्या वाकई अब हमें दोबारा लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है? कुछ भी नहीं, लॉकडाउन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके दर्शकों को मैं एक ही ऐलान करना पसंद करूंगा कि आप डरिएगा नहीं। हमारे देश में देखते हैं दहशत जल्दी फैलती है और प्रिकॉशंस नहीं होती। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, तो सुनीता ने भी कहा कि हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो, अपना मास्क पहनो, भीड़ भाड़ में मत जाओ। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो से टेक सम डिसीजन कि आपको पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए इतने लोग इकट्ठे होंगे, ऐसी गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए, और प्लस हमें अपने वैक्सीनेशन को रैंप अप करना चाहिए। यही दो सुझाव हैं पॉजिटिव, ताकि आम जनता अननेसेसरी बिल्कुल ना डरे, हमारा संदेश स्पष्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर अनीता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम वो जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए जो फिलहाल जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने कहा कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तो पैनिक नहीं करना है, मात्र आपको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, ताकि हम खुद को भी सुरक्षित रख सकें और अपने आस पड़ोस को भी सुरक्षित रख सकें। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।